भारत की आजादी की तारीख और इसकी अचानक घोषणा को लेकर कई सारे सवाल आज तक हर किसी के दिमाग में कौंधते रहते हैं। आखिर क्या वजह थी कि भारत की आजादी के लिए तय की गई तारीख से पहले ही अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया? आखिर अंतिम समय में अंग्रेजों को भारत छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों थी? पांच जुलाई 1945 को ब्रिटेन में हुए चुनावों के नतीजे आ चुके थे और लेबर पार्टी के उम्मीदवार क्लेमेंट एटली अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री थे। दूसरे विश्व युद्ध में अपने देश को जिताने के बावजूद कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल चुनाव हार गए। एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आजाद कर देगी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ भारत को आजादी देने का दिन और नजदीक आता चला गया। भारत के आखिरी वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दी जाएगी। साथ ही भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बनेंगे और इनके संविधान भी अलग अलग होंगे। अचानक अपनी मर्जी से तय और घोषित की गई आजादी की तारीख पर लंदन से लेकर भारत में जैसे विस्फोट हो गया। किसी ने यह सोचा तक नहीं था कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत में ब्रिटेन के इतिहास पर इस तरह पर्दा गिरा देंगे। लेकिन क्या वजह थी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही भारत की आजादी के तारीख के तौर पर चुना? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। On behalf of Emperor Hirohito, Foreign Minister Mamoru Shigemitsu, signed for the Japanese government. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 साल पहले 1945 में 15 अगस्त को ही जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और ये ब्रिटेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन था। लॉर्ड माउंटबेटन इस दिन की याद में 15 अगस्त के दिन को भारत की आजादी का दिन चाहते थे। हालांकि आजादी के लिए दिन तो 15 अगस्त का चुना गया था, लेकिन इसका समारोह 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को ही शुरू हो गया। ऐसा करने के पीछे भी एक खास कारण था। जब 15 अगस्त को भारत की आजादी का दिन चुना गया तो ज्योतिषियों ने इस दिन का यह कहते हुए विरोध किया कि यह दिन शुभ नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के लिहाज से 15 अगस्त को इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर 15 अगस्त की तारीख ही तय है तो इसका कोई दूसरा विकल्प निकाला जा सकता है। क्रिसमस से 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त की तुलना में ज्यादा बेहतर थी, लिहाजा फैसला लिया गया कि 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को यदि भारत को आजाद किया जाए तो यह हर तरह से बेहतर साबित होगा। वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह प्रस्ताव मान लिया और फैसला लिया कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में ही भारत का स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत 14 अगस्त को रात 11 बजे हुई। सबसे पहले सभी ने वंदे मातरम गाया और इसके बाद 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए रखा गया जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। समारोह के आखिर में महिलाओं ने राष्ट्रीय झंडा तिरंगा प्रस्तुत किया। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस रात अपना प्रसिद्ध भाषण नियति से मिलन यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी शुरू करते हुए कहा, And now the time comes when we shall redeem our... कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं।
पूरी तरह ना सही पर बहुत हद तक तो निभाए। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। पंडित नेहरू के भाषण के बाद गलियारे में खड़े एक व्यक्ति ने ऊंचे शंखनाद से पूरे भवन में उसकी आवाज बिखेर दी, जिसके बाद सारे प्रतिनिधि अचानक उठ खड़े हुए। दुनिया की नजरों में उस शंख की आवाज ने मानव इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य को भारत की जमीन से हमेशा के लिए विदा कर दिया, जहां एक युग का अंत तो दूसरे का आरंभ हो रहा था। एक अमेरिकन पत्रकार ने लिखा, सड़कों पर लोग खुशी से चिल्ला रहे हैं, हिंदू मुसलमान और सिख सभी आजादी का जश्न मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह नए साल की पहले की शाम का न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का नजारा हो। आजादी का समारोह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के हर एक कोने से स्वतंत्रता दिवस समारोह के समाचार मिल रहे थे। जैसे देश के कारोबारी शहर बंबई में शहर के मेयर ने ताजमहल जैसे शानदार होटल में रात्रि भोज का आयोजन किया था। हिंदुओं के धार्मिक शहर बनारस में एक मुसलमान द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, तो वहीं उत्तर पूर्व के पहाड़ी शहर शिलोंग में गवर्नर ने एक समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें चार नौजवानों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इन नौजवानों में हिंदू और मुसलमान लड़के लड़कियों के दो जोड़े थे। पंद्रह अगस्त 1947 को दिल्ली का नजारा कुछ अलग ही था। रात 3 बजे तक शपथ ग्रहण और दूसरे समारोह के बाद कुछ लोग घरों को वापस चले गए, जबकि बहुत से लोग वहीं पास में हरे लॉन्स और फुटपाथ पर सो गए। अगले दिन यानी 15 अगस्त की सुबह 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर यूनियन जैक की जगह भारत का तिरंगा झंडा फहराया। दिल्ली हजारों साल पुराना शहर है, लेकिन अपने इतिहास में उसने एक ही जगह पर शायद ही इतना विशाल जनसमूह कभी देखा हो। स्थानीय पत्रों और सरकारी अनुमानों के अनुसार दिल्ली गेट से लेकर कश्मीरी गेट तक और जामा मस्जिद से लेकर लाल किले तक कहीं सड़क या जमीन दिखाई नहीं पड़ रही थी, सिवाय एक खत्म न होने वाले जनसमुदाय के और कुछ नहीं था। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, दिल्ली में समारोह स्थल की ओर चारों नहीं बल्कि दसों दिशाओं से लोगों की भीड़ चली आ रही थी। तांगों के पीछे तांगे, बैलगाड़ियों के पीछे बैलगाड़ियां, कारें, ट्रक और यहां तक कि रेलगाड़ियां और बसों तक में लोग छतों पर बैठकर और खिड़कियों से लटककर यहां पहुंच रहे थे। कुछ साइकिल पर और तो कुछ पैदल ही चले आ रहे थे। मर्दों ने नई पगड़ियां और औरतों ने नई साड़ियां पहनी थी। कहीं यह अवसर उनके छोटे बच्चों से न छूट जाए, इसीलिए उन्हें भी उनकी माए टोकरों में डालकर अपने सिर पर रखकर चली आ रही थी। गांव से आए कई लोग बहुत भोले हैं। आजादी का अर्थ भी उन्होंने उतने ही भोलेपन के साथ लगाया है। किसानों ने अपने बच्चों को बताया कि अब खेतों में ज्यादा फसल हुआ करेगी। ग्वालों ने अपनी पत्नियों से कहा कि अब गायें ज्यादा दूध देंगी, क्योंकि आजादी मिल गई है। लोगों ने बसों में टिकट खरीदने से मना कर दिया। भला आजाद मुल्क में कहीं टिकट भी लगा करते हैं? आजादी का समारोह देखने आया एक भिखारी उस विभाग में दाखिल होने लगा जो विदेशी राजनेताओं और अधिकारियों के लिए रिजर्व था। जब सिपाही ने उससे पूछा, तुम्हारा इनविटेशन कार्ड कहां है, तो वह चकित होकर बोला, इनविटेशन? अब कैसा इनविटेशन? अब तो हम आजाद हो गए हैं ना, समझे? शाम 5 बजे तक इंडिया गेट पर लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखाई देने लगी, जहां भारत के भव्य झंडे तिरंगे को फहराया जाना था। उस समय वहां 5 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे,
वहीं भाषण देने के लिए एक छोटा सा मंच तैयार किया गया था, जिसे चारों ओर से एक विशाल भीड़ ने निगल लिया। जब झंडारोहण हुआ तो वहां मौजूद हर एक शख्स का चेहरा अपार खुशी और हर्ष से भरा हुआ था। कुछ लोगों की आंखों में आंसुओं की लंबी धार बह रही थी, जो सदियों से ब्रिटिश जुल्मों और सितम के समापन का एक प्रतीक थी। वर्षों तक ब्रिटिश राज के विरुद्ध कड़े संघर्ष, क्रांतिकारियों के बलिदान और हर एक तरह के दबाव झेलने के बाद आखिरकार ब्रिटिश राज को भारत से बाहर करने में भारतीयों को सफलता मिल गई थी। इस आजादी के लिए भारत ने तरह तरह की यातनाएं सही थी, यहां तक कि आजादी भी देश के विभाजन के साथ ही मिली थी। इस विभाजन के दौरान दुनिया अपने इतिहास के सबसे बड़े पलायन की साक्षी बनी। बे इंतहा हत्याओं, लूट और न खत्म होने वाली हिंसा ने इसे और विकराल और भयानक बनाया। शिमला समेत देश की उन सभी सड़कों पर भारतीय वेशभूषा में वे सभी भारतीय दौड़े, जिनमें एक समय ये बोर्ड लगा रहता था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। उस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के जाने माने शायर फैज अहमद फैज की नज्म भारत की आजादी और विभाजन पर सबसे ज्यादा प्रासंगिक रही। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं न कहीं पलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। अतुल शाह, डीडी न्यूज़।